वेलकम बैक टू जागो लाहौर और आपके मेहमान हमारे बहुत ही खास हैं। बहुत अरसा पहले हमारे शो का हिस्सा बने थे, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं और जब इनकी बात की जाए स्ट्रगल की, इनकी मेहनत की और इनके एक नाम की, तो डेफिनेटली जो डिज़ाइनिंग में नाम है और एज अ पर्सन इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व भी किया है। नेशनल हॉस्पिटल के ऑनर हैं, फ्रेंच डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, आज अपनी वाइफ के साथ हमें ज्वाइन करने वाले हैं महमूद भट्टी। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ जनाब उनकी वाइफ है हमारे साथ जॉर्जिया, वेलकम टू द शो जॉर्जिया, हाउ आर यू? फाइन फाइन थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जॉर्जिया को, थोड़ी थोड़ी हम इंग्लिश में बात करेंगे बिकॉज शी नोज फ्रेंच, तो हम उनके साथ कोशिश करेंगे कि उसमें कन्वर्सेशन कर सकें। आपके हवाले से जानना चाहेंगे, अभी आप दोबारा से आए हैं पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए, किन इरादों के साथ, क्या आपका अभी फिलहाल प्लान्स हैं उसको मजीद करने के लिए, फिर हम आपकी स्ट्रगल भी डेफिनेटली जानेंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान में मैंने काफ़ी चीज़ें शुरू की हुई थी, तो मेरा इरादा था यहाँ पे बेंदिया पे मैंने ज़मीन ली थी 35 एकड़, तो वो मेरा इरादा था मेडिकल एंड फैशन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अब वो ओवरसीज पाकिस्तान के साथ जो चक्कर पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो उससे आदमी भी थोड़ा सा डर जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर आगे चलने के लिए चीज़ें करने के लिए आदमी करता है। अभी वो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में क्या किया जाए, प्लान्स हैं। अच्छा सर, आपका चूंकि फैशन डिज़ाइनिंग में एक बहुत बड़ा नाम है और चूंकि पाकिस्तान में अब आप ट्रेवल ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल, आप पहले यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर आप गए और फिर वापस, आपकी जो रूट्स हैं बेसिकली आपने उनको अपने साथ रखा है हमेशा? वो इसलिए मैंने रखा है क्योंकि आपको पता ना, ये हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमेशा वहाँ पे कुछ भी है, आपके पास फ्रेंच पासपोर्ट आ जाए, अमेरिकन पासपोर्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यू थिंकिंग फॉर पाकिस्तान। आदमी, हर आदमी सोचता है यार मेरा मुल्क है वहाँ पे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ना बहुत मेंटेन करते हैं वहाँ पे, कोई -10-20 टेम्परेचर होता है, बर्फ़ इतनी होती है, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, रहने के लिए, रिहाइश के लिए कोई चीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे एक नाम बनाना, चीज़ें बनाना ना, वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लेकिन हर आदमी कहता है ना तेरी लक है तूने बना ली है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, आपको मेहनत ज़िंदगी में करनी चाहिए। डेफिनेटली हर चीज़ के अंदर स्ट्रगल तो इन्वॉल्व होती है वो, और उसके बाद टाइम का पॉइंट, और सुबह मैं जाता हूँ सुबह 7 बजे ऑफिस, मैं अब ना भी जाऊँ तो मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन मेरी एक वो जिस्म में एक जो एक काम वाला ड्रग पड़ गया है ना, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। वो मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात को 8 बज जाते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे सिस्टम और है। सिस्टम ये है वहाँ पे ऑफिस टाइम पे कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा आदमी नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि ऑफिस इज ऑफिस। यहाँ पे और सिस्टम है, यहाँ पे लोग उठते हैं, अमीर लोग हैं, 12 बजे उठते हैं, फिर चाय मंगवा ली, फिर दफ्तर चले गए, फिर कम्फर्ट जोन है। वहाँ पर आपको थोड़ा और उस तरह से रहना पड़ता है, वहाँ पे और चक्कर है। और यहाँ पे मुझे याद है जब मैं फैशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं लेके आया था यहाँ पे, और मैंने एक छोटे से घर पे मैंने स्कूल शुरू करवाया था, किसी को नहीं पता था, हर आदमी मुझे कहता था जी ये दर्जी है, फैशन का नाम नहीं लेते थे, अब तो हर जिससे पूछे वो फैशन डिजाइनर। तो मुझे याद है जब मैं बाहर से टीम लेके आता था, तो लाइटें वहाँ से मैं लेके आता था, मेकअप की लड़कियाँ यहाँ पे नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था, पूरी टीम को मैं 40 लड़कियाँ होती थी मेरे साथ, पूरी टीम को लेके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनको पाकिस्तान में बताया है फैशन कैसे होता है, मैचिंग कैसे होती है, चलना कैसे है, मेकअप कैसे करना है, ये चीज़ें सारी बता के फिर मैं पीछे हो गया, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए। कितने ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए हमें करना चाहिए, करके उनको आगे, आप बच्चों को चाहिए उसको लेके आगे चले। और आपके साथ जॉर्जिया ट्रेवल हमेशा करती हैं, जॉर्जिया हाउ डिड यू फाइंड पाकिस्तान एवरी टाइम यू कम हियर? Qu'est-ce que je pense au Pakistan? I love very much Pakistan because the people are very friendly. I love this country. You love food here? Yes, I like very much. You love? Yes, yes. Okay, perfect, perfect. आप जॉर्जिया को लेकर आते हैं तो जब लाहौर में स्पेसिफिकली लाएं तो किस तरह की खाने वाने, क्योंकि लाहौर इज फेमस फॉर इट्स फूड, तो किस तरह का खाना जॉर्जिया पसंद? इससे पूछें क्या पसंद है इसे? What do you like the most here in Lahore food? The most samosa. 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 I like very much samosa. Perfect. You like samosa. And ghost. Palak ghost. Palak ghost. You liked biryani here?
Yes. Biryani? Yes. And I like naan. Naan. Okay. Have you traveled to Karachi? Yes. Then you must have tried the Karachi biryani as well. Karachi, she's go to last time. I'm gaye. Yes, last month. No. Karachi University हम गए थे वहाँ पे तकरीर करने के लिए MBA बच्चों के साथ हम दोनों ने की थी वहाँ पे और फिर उन्होंने हमें बुलाया था आगा खान हॉस्पिटल अच्छा तो हम वहाँ पे भी गए थे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में दोनों वहाँ पे लेक्चर देने के लिए लवली लवली अच्छा मिस्टर साहब चूंकि अभी हम नेशनल हॉस्पिटल के यू ऑनर आप कुछ रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो आई जिसमें कुछ एक मिसहैप हुआ वहाँ पर कुछ खातून ने किया थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकया हुआ और उसको किस तरह से आपने हैंडल भी किया हाँ देखिए मैं बैठा हूँ पेरिस में बिल्कुल ये हॉस्पिटल मेरे और भी पार्टनर हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है ना मैंने जब ये मीडिया पे सोशल मीडिया पे मैंने देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक माँ बच्ची के साथ रो रही है और उस किसी को शटअप नहीं कह सकते नंबर वन अगर वो गलत भी है तो हम उसको शटअप नहीं कह सकते ठीक है ना अगर उन्होंने शटअप का भी है ना उसमें भी कोई रीजन होगा क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे उसको बड़ा प्रेशर होगा कोई चक्कर होगा मुझे अब बड़ा अफसोस होता है उसको देख के क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनवाया था जब मैंने शुरू किया था तो इनके पास कुछ भी नहीं था मेरे पार्टनर के पास अब वो उसको मेरे नाम से वो आगे चल पड़ा है ठीक है ना मैं नहीं चाह रहा मेरा नाम ख़राब हो उसमें अगर इसको मेरा नाम ख़राब होगा तो मैं पीछे हो जाऊँगा इसको चाहिए गवर्नमेंट का कोई आदमी आके उसको कंट्रोल कर ले उसको आगे अच्छे लफ्ज़ों में लेके जाए जो गरीबों का सोचा जाए कोई कमीशने ना वहाँ पर चलें क्योंकि सबसे मैं जो हॉस्पिटल से मुझे प्रॉफिट मिलता है ना मैं कभी अपने साथ एक रुपया नहीं लेके गया कभी मैं उसका लगा देता हूँ कभी उसका लगा देता हूँ कभी उसको दे देता हूँ हम लोग दोनों हमें बड़े सिंपल लोग हम आते हैं दाता साहब जाते हैं दोनों जने दुआ मांग के करके आते हैं क्योंकि ये लाइफ में मेरी लाइफ में ये रहे हाँ। अच्छा जो उसमें सबसे बढ़कर जो मिसहैप हुआ नेशनल हॉस्पिटल बहुत एक ज़बरदस्त नाम के साथ काम भी कर रहा है सर्व भी कर रहा है लेकिन उस मिसहैप की वजह से उसकी रेपुटेशन पे भी बातें हुई क्योंकि सोशल मीडिया पे वो फॉरम होते हैं जहाँ पर हर तरह से लोग उसको जज करते हैं आप जस्टिफाई आप अभी आकर आपने बात की इसके अलावा आपने कुछ कोशिश की कि आप उसको किसी ना किसी तरह कंपनसेट या जस्टिफाई कर सके मैंने नंबर वन तो मैं वो जो जिसकी मदर बेटी के साथ हुआ है मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ ठीक है मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और मैं उसे माफ़ी मांग रहा हूँ जो भी हुआ है और उसको भी मैं डिफेंड करूँगा अपने डॉक्टर को जिसने शटअप किया वो भी बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर और अच्छे इंसान है वो भी उसने अगर कोई ऐसा किया है ना तो उसके जेहन पे भी बहुत प्रेशर होगा आपको पता ना जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो हर मरीज़ बेचारा नर्वस होया होता है उसकी फैमिली बीमार है आदमी नर्वस होता है तो उसको एक फ़ोन इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है किधर से डेफिनेट उसको अगर वो हॉस्पिटल मेरे पार्टनर से कंट्रोल से बाहर है उसको चाहिए गवर्नमेंट का कोई आदमी आके उसको टेक ऑफ कर सही ठीक हो गया जॉर्जिया आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी फैशन You have been to Paris, so you have done a lot in that industry. But still, how did you find Pakistani fashion industry? I like very much because in the mode in Pakistan, a lot of color. I like the color, yellow, blue, red. Tell them case. I like very very well much Pakistani fashion because there are colors. Colors, you like. Yes. Okay, लेकिन उस पर भी है ना एक कलर मैचिंग होनी चाहिए हर आदमी फैशन डिजाइनर नहीं बन सकता अच्छा मैं आपसे यही सवाल करने वाली हम यहाँ की फैशन इंडस्ट्री देखते हैं बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी आई है नए से नए डिजाइनर्स हैं इंटरनेशनली भी काम करें क्या कंपैरिजन करेंगे आपकी इंडस्ट्री में और पहले जो फैशन इंडस्ट्री थी देखें अब बहुत ज्यादा आई है लेकिन फैशन डिजाइनर जो होता है ना तो वो अपने ये सिर से फैशन लेके आता है एक दूसरे को हम कॉपी नहीं करते यहाँ पे जो चक्कर है वो एक दूसरे को सेम 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 चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं तो उसको मैं फैशन नहीं कहता उसके कॉपीराइट्स लॉ बनने चाहिए जो इंटरनेशनल ये डिज़ाइनर को बाहर जाना चाहिए जैसे मैं 86 कंट्री में मेरे ऑफिस है और मेरा टफ टाइम था सब फैशन डिज़ाइनर के दुनिया के फैशन डिज़ाइनर के साथ तो उससे फिर नाम बनता है अगर हम पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है इतना बड़ा मुल्क है माशाल्लाह हमारा
लेकिन उस पर फैशन कलर चीज़ें हर आदमी को अपना फैशन होना चाहिए। हर डिज़ाइनर का उसको आपने जो पहना होगा ना उसको पता होगा ये कपड़े जो है ना मैंने बटी के पहने हुए हैं, इसने जो है कोई और डिजाइनर उसके पहने हुए हैं, स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है। तो वो यहाँ पे आपको लगता है कि लैक करती है लोगों में? यहाँ पे बड़ी कम है, एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं कि जैसे क्योंकि मैं आया था पहले वो फैशन वीक पे, क्योंकि मैंने वो भी शुरू करवाया था सिर सैगल को कह के। अच्छा। तो उस पे उसने मुझे बुलाया था चीफ गेस्ट, तो मैंने देखा था मुझे 19% मुझे चीज़ें पसंद नहीं आई थी। अच्छा। मैं अगर मुझे क्योंकि जिस फैशन इंडस्ट्री में आप हैं दैट्स अ ह्यूज वन, मतलब वहाँ पर तो इंटरनेशनली बहुत सारे पेरिस फैशन वीक है, इस तरह के कई फैशन वीक्स ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। यहाँ पे मिस पाकिस्तान होनी चाहिए, मैं रशिया में मैं जज था वहाँ पे मिस रशिया के लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन सब चीज़ें होनी चाहिए मेरिट पे। मेरिट इट्स मोर इम्पोर्टेंट। मुझे जब सारे इम्तियाज मिला था पाकिस्तान से, मुझे फ्रांस से मिला था और मुल्कों से मिला था, सारे ये सब चीज़ें मुझे मिली थी मेरिट पे। मैंने सिफारशिंग करवा के फ़ोन करवा के चीज़ें, वो उस पर मज़ा नहीं आता। मज़ा उस पर आता है जो आदमी मेरिट पे दे। अभी हम यूनिवर्सिटी कराची गए थे आगा हॉस्पिटल में, उन्होंने हमें अवार्ड दिए थे, ये सब चीज़ें मेरिट पे आती हैं। जॉर्जिया, टेल अस समथिंग अबाउट योर केमिस्ट्री विद महमूद। इसकी तो पांच पोमा। He is very simple person. He is big heart. Big heart. He has a yes. big heart. Okay. Yes. And he is very intelligent man. Very intelligent. Yeah. What do you like the most about Mahmood? I would like to ask. Kis ki tarah hum buku unko dekho. Everything. Everything. Oh, perfect. He's perfect. You know some little Urdu words or something like that? Pakistan Zindabad. Yeah, yeah. Shukriya. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Yes. Shukriya. Shukriya. What else? Anything else? It's very difficult for me. Comment on dit bonjour? You travel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, perfect. Well, you know Urdu a bit. That's not that bad. Little old. Little. Anything you like about Pakistani people? Yes, the people is very very family. They like, act like family. Yes, they very here in Pakistan. The people is very family. They stay with parents just à la fin. Jusqu'à la fin. Oui, people Pakistani jo log hai na family person. So tak brilliant. Aapko chhod ke aayenge, aapko daftein denge, cheezein. Very beautiful for me. Yes, that's the beauty of Pakistan ke yahan par bahut aapka on and off aana ittefaq hota rehta hai. क्योंकि आपको तो इस चीज़ की आदत होगी। जॉर्जिया को शुरू में कुछ डिफिकल्टीज हुई होंगी यहाँ पे? देंगे ये शुरू से आके ना तो हमारे लोगों में मिक्स हो गई थी। अच्छा। क्योंकि ये रहती पेरिस में है कोई 25 ईयर, लेकिन शिफ हम ब्राज़ील। ब्राज़ील, ओके। ब्राज़ील को, ब्राज़ील के जो लोग हैं ना वो सेम थिंग पाकिस्तानी पीपल, वेरी फ्रेंडली, बड़े क्लोज, आपको दावतें देंगे, खाने पे लेके जाएंगे, आपको तोहफे देंगे, ये करेंगे, ये सारे बड़े फ्रेंकली सारे चीज़ें करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मेहमूद साहब, चूँकि हम यहाँ की बात करें थोड़ी सी, अभी आप न्यू वेंचर्स के साथ डेफिनेटली आपने बताया आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर ऑन ऑफ, और कुछ स्टेट की गवर्नमेंट की जानब से भी आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली करते होंगे, कॉपरेशन आपको मिलती है? नहीं, मुझे मिलती है, लेकिन मैं ना तो सियासी लीडर हूँ, ना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के पास जाके ना। मैं सारी गवर्नमेंट को जानता था, जानता हूँ, जानता था, लेकिन वो खुद मुझे बुलाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट की कोई चीज़ लेने का। ठीक है ना, अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरा दोस्त है, वो 40 साल से 40 ईयर्स से बहुत करीबी दोस्त, मेरे घर पे वो पेरिस में आके ठहरता था, हम बचपन में इकट्ठे सब चीज़ें करते थे, लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना ना मैंने अभी तक उसे मैं नहीं मिला। एक दफ़ा टेस्ट पे बात हुई है हमारी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता जब एक आदमी सीट पे आ जाए ना तो उसके जाके उसके पीछे पड़ना और सीटों पे प्यार करना ना, वो मैं पसंद नहीं करता। जबरदस्त। अच्छा, इंडस्ट्री की, फैशन इंडस्ट्री की तो हमने बात की, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पर आपको क्या लगता है बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं, आपकी इंडस्ट्री रिवाइव भी हुई है, क्या आपने आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? मैं ना देखे ना कल हम गए थे रात को ना गुलबर्ग,
एक खाने पे, खाने पे नहीं, हम गए थे एक शादी पे, तो वहाँ पे वो शादी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे पता नहीं था शादी कल होगी, तो हम ये तैयार होके गए चले गए। तो रात को हम गुलबा के एक रेस्टोरेंट पे गए थे, तो मैं देख रहा था वहाँ पे सारे बड़े बड़े आप लेबल्स लगने शुरू हो गए हैं, चीज़ें लगने शुरू हो गई हैं। देखो ना, इसका मतलब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ठीक है ना, फैशन में भी, चीज़ों में भी, ये सब चीज़ें देखें ना, बड़ी खुशी होती है, ठीक है ना। लाहौर देखें ना, लाहौर कितना चेंज हो गया है। मैं अगर अकेला ड्राइविंग करूँ ना, मेरे ख्याल में मैं खुद भूल जाऊँ। अच्छा। हाँ, मतलब लाहौर चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया है। आपने देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, लड़कियों ने मेकअप किए हैं। यही खूबसूरती होती है आदमी के लिए। एक वुमेन, आप जब घर पे आएँ तो आपकी जो बेगम है ना, वो खूबसूरत अच्छे कपड़े पहने हो, बड़ी वो आपके साथ जाए, ये प्राउड उसको समझना चाहिए ना। पहले पाकिस्तान नेचर था, मैं जब होटल में आता था रात को, मैं 30 साल होटल में रहा हूँ, वो सेम आदमी बैठे हैं, बीवियाँ घर पे बैठी हैं, आदमी बाहर बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जॉर्जिया की ड्रेसिंग, डेफिनेटली इनकी ड्रेसिंग सेंस तो बहुत कमाल होगी, लेकिन आप कुछ इसके अंदर इनपुट रखते हैं इनकी ड्रेसिंग पे? ये खुद करती है सारा कुछ। मैं कभी हो गया, इसको पता है मैंने कैसे कपड़े पहनने हैं, वो सारा। मैंने कहा पाकिस्तान टीवी पे तूने कपड़े वो पहन के नहीं जाने जो यूरोप में पहनती है, तो इसलिए ना, तो उसको पता है सब कपड़े मैंने कैसे पहनने हैं, मैंने आज तक कभी इसे नहीं कहा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, फैशन गुरु बनने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, यू आर वन ऑफ देम। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती होंगी, लोगों में एक्सेप्टेंस लेवल भी समटाइम्स बहुत कम होता है जब आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, आप अपनी स्ट्रगल के हवाले से कुछ बताएंगे? देखिए ना, मेरी जो मार्केट है ना फैशन की, पूरी दुनिया की मार्केट, उस पर कंट्रोल है जूश का, 100% उनका है। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी मुसलमान था जो सबसे बड़ी बिल्डिंग और मेरी थी वहाँ पे, जो बेस्ट वन, और मैं पाकिस्तानी, मेरा नाम आता है पाकिस्तानी। अब जो मर्जी चेंज कर लें, आप अपना पाकिस्तान से आप चेंज नहीं कर सकते, जहाँ से आप आए हैं। तो उस पर पूरी दुनिया में लोगों को पता था मैं पाकिस्तानी हूँ, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लंदन, कनाडा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कितने लोग थे ना, ये सबको पता था मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सऊदी अरेबिया का अभी किंग आया था, ये मेरा बहुत दोस्त था, दोस्त है, क्योंकि ये बचपन में मेरी ऐसे पकड़ के मुझे दिन में 1000 फ़ोन करता था, रात को कहाँ पे जाना है खाने पे, क्या करना है हमने रात को। तो ये तल्लुकात इंसान के बनते हैं, आपकी इज्जत ऐसे बनती है जब आप खुद मेहनत करें, काम करें। इज्जत बनती है जो लोग हैं ना, वो आपको अच्छे नाम से ले, पब्लिसिटी अखबारों पे, टीवियों पे लगा के इज्जत नहीं, जो लोग आपकी तारीफ़ें करें, ये जो लोग काम करते हैं ये आपकी तारीफ़ें करें, इससे इज्जत बनती है। बिल्कुल। फैशन इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे आप पैरिस, इट्स नॉट इजी। तो आपको क्या लगता है जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इस वक्त, जो कह लें पॉलिश भी है, बहुत ज्यादा काम भी हो रही है, कौन सी इंडस्ट्री है ऐसी फैशन में? नहीं, फैशन की जो इंडस्ट्री ना, आदमी को हमेशा विकअप रहना चाहिए। अगर आप विकअप नहीं रहेंगे तो आपकी कोई और जगह ले जाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं है। मेरी मार्केट में कोई 5000 डिजाइनर बैठे हुए हैं, अगर आपने उस पर अपना नाम नंबर 1, 2, 3 पे लेके आना है ना, तो आपको विकअप, आंखें ऐसी होनी चाहिए। अगर आप विकअप नहीं होंगे ना, तो आपकी जगह ना कोई और ले जाएगा, वो ऐसे ले जाएगा क्योंकि वो डिज़ाइन आपसे अच्छे बनाने शुरू कर देगा, वो मशहूर हो जाएंगे, आपका नाम पीछे 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 आना शुरू हो जाएगा। अभी आपका कोई प्लान है पाकिस्तान के अंदर मजीद कुछ एक्टिविटी, कुछ नए वेंचर स्टार्ट करने का? मेरा तो वही है ना, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें सारी करने का, ठीक है ना। तो मैं वैसे भी करता रहता हूँ गरीबों के लिए, अब मैं खुद करता हूँ सारे। मैंने अभी अपना घर बनाया सारा खुद, एक मैंने बिल्डिंग बनाई है उधर अकबर चौंके से, वो खुद ही उसके डिज़ाइन हम खुद करते हैं। मैं कोई आर्किटेक्ट, कोई कुछ नहीं, जब फैशन डिज़ाइनर होते हैं ना, उसको हर तरह की सेंस होती है, उसको हर चीज़ की सेंस होती है। मैंने ये स्विच कहाँ पर लगाना है, इसकी लाइट कहाँ पर लगानी है, इसको मैचिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। अब सारी बिल्डिंगें जो लाहौर में मैं चीज़ें शुरू कर रहा हूँ सारा ना, मैं खुद कर रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ सारा कुछ। हॉस्पिटल की आपने बात की थी, वो सारे डिज़ाइन मैंने खुद किए हुए हैं। लवली लवली। जॉर्जिया, व्हाट आर योर प्लान्स व्हेन यू आर नेक्स्ट कमिंग टू पाकिस्तान? डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्लान्स लाइंड अप फॉर दैट? यू कैन नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नो अप्रैल 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 यस फॉर फॉर अ वॉक
लवली लवली. ठीक है जॉर्जिया, चूंकि हमने व्यूअर्स को बताया शी नोज फ्रेंच, तो उनको थोड़ी उर्दू उर्दू उन्होंने बोल के दिखा दिया है. ऐसे नहीं हम उनको कह सकते उनको उर्दू नहीं आते, इंग्लिश में वो बात करती है. मेहूद भट्टी साहब, कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तानियों को देना चाहें, लाहौरियों को देना चाहें? यू आर मोर देन वेलकम, कैमरा इज ऑल. बिल्कुल, मैं तो यही सब जो यंग बच्चे हैं ना उनके लिए मेरा मैसेज है, आप मेहनत करें, पढ़ें, अच्छा पाकिस्तान का नाम बनाएं, पूरी दुनिया में जाएं, पाकिस्तान का नाम जो ना ऐसे चलेगा. अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सीरियस करेंगे, इससे नाम चलेगा. प्लीज़ नेवर टच ड्रग, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. आपकी जिंदगी लाइफ ये तबाह कर देगी. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको किया है, उनकी इज्जत उनकी नाम बनाना है, तो आप मेहनत करें और उनका नाम बनेगा. पेरेंट्स सिर्फ आप खुशी से जिंदा रहेंगे, उन्हें आपसे कुछ नहीं लेना. उन्हें पता है मेरे मेरी बेटी मेरा बेटा जो है ना इतना बड़ा बन गया, नाम उसका हो गया. पेरेंट्स की यही खुशी होती है, उनके लिए ये सब अल्लाह मियाँ सबसे बड़ा तोहफा जो है ना बच्चों का ये देता है पेरेंट्स को. लवली लवली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का. थैंक यू वेरी मच जॉर्जिया, इट वाज नाइस मीटिंग यू अगेन, इंशाल्लाह वी विल हैव यू अगेन ऑन द शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें और भी मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर.